सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक कंटेंट लाया हूँ गाइज। आज मैं ड्राइव रिव्यू करूंगा ऑफ दी ऑल न्यू 2024-2025 जो भी आप बोलेंगे न्यू मारुति सुजुकी डिजायर वेरिएंट। अगर मैं बताऊँ टॉप मॉडल है, ZXi प्लस है, और ट्रांसमिशन अगर मैं बोलूँ देन ये आपका मैनुअल ट्रांसमिशन है। AGS का भी वीडियो आएगा बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, सो वो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो बहुत लोग आप लोग जानना चाहते थे कि ये जो गाड़ी है सिटी के लिए कैसा है, क्योंकि नॉर्मली मतलब ये जो थ्री सिलेंडर है सिटी के लिए ही मारुति ने इसको ट्यून किया है। सो आज मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा सिटी में चला के कि इसका रिस्पांस कैसा है, गियरबॉक्स कैसा है, क्लच कैसा है, एंड ओवरऑल मतलब जो फील और जो कैसा मज़ा है चलाने में वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पहला चीज़ जो मैं करूंगा भाई वो है आप देख सकते हो ये है इंटीरियर, एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। सो यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिल जाता है। सो गाड़ी जब स्टार्ट होता है ना ऑब्वियसली स्टार्ट होने का तो वाइब्रेशन आपको फील होगा, बट जब ये गाड़ी आइडल पे है आप देख सकते हो अभी आइडल पे है कोई भी वाइब्रेशन आपको अंदर में फील नहीं होगा। मारुति ने इसको इतना अच्छा तरह से ट्यून किया है, इंसुलेशन दिया है ना, आपको लगेगा भी नहीं कि भाई ये थ्री सिलेंडर है। रेव करके भी थोड़ा देख लेते हैं। सो या स्पोर्टी साउंड तो आपको मिलता ही है एंड रेव भी फ्रीली होता है। तो ये तो था गाइस अंदर का एक सिचुएशन। अभी इंजन बे पे चलते हैं, इंजन बे में कैसा इसका वाइब्रेशन है वो भी देख लेते हैं। तो बॉनेट ओपन करने का लीवर आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई, तो बॉनेट मैंने ओपन कर दिया। तो अभी चलते हैं भाई बाहर और मैं बाहर से आपको एक वाइब्रेशन का फील दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई वाइब्रेशन बहुत ही मिनिमल है। थोड़ा तो वाइब्रेशन आपको फील होगा बट ओवरऑल ज़्यादा आपको वाइब्रेशन इस गाड़ी में फील नहीं होगा। आप एक बार यहाँ से भी देख लीजिए। सो ओवरऑल भाई इसका जो रिफाइनमेंट है यहाँ पर ऑब्वियसली थोड़ा तो आपको वाइब्रेशन फील होगा बट ओवरऑल अंदर में जो इसका रिफाइनमेंट है ना वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपको फील नहीं होगा। मैं बोलूँगा आप ज़रूर एक टेस्ट ड्राइव लीजिए। मैं तो अभी अंदर में बैठ के गाड़ी को स्टार्ट किया ना तो मुझे तो कोई वाइब्रेशन इस गाड़ी में फील नहीं हुआ। तो अभी जो मैं करूँगा भाई अभी चलते हैं एक टेस्ट ड्राइव पे, सिटी पे ही टेस्ट ड्राइव करेंगे। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मारुति सुजुकी सानाई मोटर्स को जो कि सिचुएटेड है लेक टाउन पे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो लेक टाउन का क्लॉक टावर है। सो कोलकाता में जो लोग रहते हो ज़रूर यहाँ पर आ सकते हो, शोरूम का सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ होगा। तो चलिए भाई अभी चलते हैं ड्राइव रिव्यू शुरू करते हैं। सो गाइस द फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, लेट्स पुट इट इन टू फर्स्ट गियर एंड हैंड ब्रेक इज डाउन। सो क्लास छोड़ते ही आप देख सकते हो कार में टॉर्क अच्छा ही है लोअर डाउन में। सो यू कैन सी दैट द कार इज मूविंग फॉरवर्ड। आपको ज़्यादा थ्रॉटल इनपुट देने का जरूरत है नहीं। ओवरऑल द विजिबिलिटी ऑफ दिस कार इज गुड, उसमें आपको कोई दिक्कत होगा नहीं। एंड या स्टीयरिंग इज ऑल्सो प्रीटी लाइट, आप देख सकते हो सेल्फ सेंटर भी हो जाता है। वी आर इन फोर्थ गियर एंड RPM इज एट अराउंड 1800 RPM, 60 पे आराम से क्रूज कर रहा है एंड आपको फील नहीं होगा गाइस कि ये थ्री सिलेंडर है। इतना स्मूथनेस है इंजन में, कोई भी आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। अगर आप कंपटीशन के गाड़ी चलाएंगे वो भी थ्री सिलेंडर होता है, उसमें आप लोगों को मतलब फील होगा कि अगर आप मतलब हायर गियर एंड लोअर RPM में होंगे देन एक जडर आपको फील होगा, बट इसमें आपको कुछ भी वैसा फील नहीं होगा। इसको एक्सेलेरेट करके भी देखते हैं, 2000 RPM पे है एंड वी आर 3 पीपल ऑन बोर्ड। सो एक्सेलरेशन इज देयर, मतलब पावर का आपको वैसा लॉस लगेगा नहीं। मारुति हैज ट्यून्ड इट वेरी वेल, इट्स अ प्रीटी गुड इंजन एंड थोड़ा आपको मतलब वो स्पोर्टीनेस भी फील होगा इस गाड़ी में। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज एंड गाड़ी का जो ओवरऑल अर्गोनॉमिक्स है दैट इज ऑल्सो रियली गुड। आपको सब कुछ हाथ के नज़दीक मिल जाएगा, इवन दिस सेंटर कॉन्सोल इज ऑल्सो प्लेस टूवर्ड्स द ड्राइवर। सो आपको ओवरऑल मतलब अर्गोनॉमिक्स में कोई भी इस गाड़ी में आपको दिक्कत होगा नहीं। विजिबिलिटी इज ऑल्सो रियली गुड। आई गेस ये जो 360 डिग्री कैमरा है वो ऑन नहीं होता है, हाँ ये ऑन हो जाता है। एज यू कैन सी बाएं तरफ का व्यू आपको दिखा रहा है। सो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा का बटन मिल जाता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड व्यू, बाएं तरफ का आपको व्यू दिखा रहा है। सो एनी थिंग कमिंग ऑन द लेफ्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, बट ओवरऑल गाड़ी का जो 360 डिग्री व्यू है वो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। मैं जिस तरह से चला रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो 22.6 का एवरेज दिखा रहा है एंड वी आर लाइक 4 पीपल ऑन बोर्ड। AC भी चल रहा है, तो देखते हैं भाई थोड़ा ड्राइव और भी करते हैं, लास्ट में कितना फ्यूल इकोनॉमी होगा इस गाड़ी का वो भी देख लेते हैं। सो अभी मैं स्टैंड स्टिल पे हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा अभी फुल ऑन है। आई गेस अबाउट 15 km/h ये बंद हो जाता है, बट ओवरऑल कैमरा का जो क्वालिटी है मारुति का सबसे बेस्ट है। अगर आप मारुति का अपर सेगमेंट गाड़ियों पे भी जाएंगे जैसे ग्रैंड विटारा, उससे भी ज़्यादा इसका कैमरा क्लैरिटी है। आई होप मारुति दूसरे गाड़ियों पे भी ये अपडेट करेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी नाइस कैबिन, बेज इंटीरियर ब्लैक इंटीरियर आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल काफ़ी एयरी कैबिन है, इवन विजिबिलिटी एट द बैक इज़ गुड। सो या इट्स अ प्रीटी गुड कैबिन एंड स्टीयरिंग भी आप देख सकते हो, आप एक उंगली से इसको घुमा सकते हो, इतना स्मूथ स्टीयरिंग है। जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऑब्वियसली, बट अभी फिलहाल देख लेते हैं, अभी फर्स्ट गियर पर फिट देते हैं। एंड यहाँ पर क्लच मैं छोड़ूंगा, आप देख सकते हो मेरा राइट लेग इज़ ऑन दी एयर एंड क्लच छोड़ देते हैं भाई। एंड आप देख सकते हो कितना इजी इसका ड्राइवेबिलिटी है। अभी मैं थोड़ा एक्सेलेरेटर देता हूँ एंड
एट 2000 RPM हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं। सो 2000 RPM पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको कोई जडर फील नहीं होगा। एंड ओवरऑल इसका ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है, आपको ज़्यादा इनपुट भी नहीं देना पड़ेगा। एंड यहाँ पर भी थोड़ा एक्सेलेरेट करके देखते हैं, अभी देख सकते हो थर्ड गियर पे है गाड़ी एंड RPM इज़ अराउंड 1500 RPM एंड काफ़ी अच्छे से ये क्रूज़ कर रहा है। ज़्यादा भी यहाँ पर आपको इनपुट देने का ज़रूरत नहीं है। मैं ब्रेक भी करता हूँ एंड अभी आप देख सकते हो 1000 RPM पे गाड़ी गिर गया है। यहाँ से भी आप थर्ड गियर पे पुल कर सकते हो, आपको कोई भी वो जडर फील नहीं होगा, इतना अच्छे तरह से मारुति इसको ट्यून किया है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड पैकेज एंड हेडलाइट भी आप देख सकते हो डिपर यहाँ पर है। दिन का टाइम में उतना आपको फील नहीं होगा बट ओवरऑल गाड़ी का जो हेडलाइट रिस्पॉन्स है दिन में भी आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर डिपर मार रहा हूँ। एंड ओवरऑल सस्पेंशन के बारे में अगर बात करूँ, सस्पेंशन ऑन दिस टाइप ऑफ रोड इट्स गुड। मुझे उतना मतलब ये उतना ख़राब रास्ता तो नहीं है टेस्ट करने के लिए बट ओवरऑल नॉर्मल सिटी जो होता है ऐसा ही होता है। एंड ओवरऑल यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा एक प्लाइंट राइड मुझे मिल रहा है, ज़्यादा आपको वो बाउंसीनेस भी फील नहीं होगा। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी एट मीडियम स्पीड इज प्रीटी गुड। सो यहाँ पर अभी दो बम्पर पे हम लोग गिरेंगे, सो राइड क्वालिटी इज़ गुड, आपको बम्पर ज़्यादा फील नहीं होगा। एंड ये स्टीयरिंग का सेल्फ सेंटर भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो एक बार यू टर्न ले लेते हैं यहाँ से। सो एज यू कैन सी स्टीयरिंग आराम से सेल्फ सेंटर हो जाता है। ये पहले मारुति गाड़ी का प्रॉब्लम था कि सेल्फ सेंटर नहीं होता था बट अभी आराम से सेल्फ सेंटर हो जाता है। एंड ओवरऑल स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा इसमें आपको थोड़ा सा मिड सेंटर में फील नहीं है बट ओवरऑल आपको कनेक्टेड मिलेगा रोड से, ज़्यादा आपको डिसकनेक्टेड फील नहीं होगा। अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं रिवर्स कर रहा हूँ एंड 360 degree कैमरा इज़ हेल्पिंग मी अलॉट। सो यहाँ पर नैरो रोड्स है, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी आप चेकआउट करके रिवर्स कर सकते हो, आपको पीछे देखने का ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ अ वेरी हैंडी फीचर अगर आप टाइट फाइट जगह पर गाड़ी चलाते हो। तो यहाँ पर मुझे अभी ये गली पर घुसना है, सो इट्स अ प्रीटी नैरो रोड, सो लेट्स चेक इट आउट वंस। सो ड्राइविंग इन नैरो रोड यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक ही है, मतलब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर और भी एक नैरो रोड आ गया, सो दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस गाइस। आप अगर ऐसे नैरो रोड पे चलाते हो देन डिज़ायर ये ड्राइव देख के आपको एक आइडिया हो जाएगा। सो स्कूटर भी चलाया, तो ओवरऑल मैनोवरेबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी सही गाड़ी है एंड सब 4 meter सेडान है, सो आपको ज़्यादा लंबाई ये सब का टेंशन लेने का बात है नहीं। सो यहाँ पर भाई रास्ता ख़राब है एंड यहाँ पर वी कैन डू अ सस्पेंशन टेस्ट। सो आप देख सकते हो रास्ता इज़ एब्सोल्युटली नॉट देयर एंड ओवरऑल इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। आप लोगों को कैसा फील हो रहा है पीछे? बेटर लेफ्ट और राइट सर? लेफ्ट। ये सब सिचुएशन में थोड़ा सा आपको रेव देना पड़ेगा, आपको मतलब 3 cylinder है सो यू फील दैट नीड फॉर अ 4 cylinder बट ओवरऑल इट्स ओके। सो गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं मेन रोड पे एंड 3000 RPM से एक बार पुल करके देखते हैं। सो सेकेंड गियर में पुल इज़ गुड, मैं खुद एक स्विफ्ट चलाता हूँ एंड इन टर्म्स ऑफ दैट पावर इज़ गुड। चार बंदे बैठे हैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, AC भी चल रहा है, सो इन टर्म्स ऑफ दैट पावर इज़ गुड। एंड अभी गाड़ी फोर्थ गियर पे है, 1200 RPM पे है एंड स्पीड इज़ अराउंड 40। सो एक बार यहाँ से भी एक बार पुल करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हो थर्ड गियर पे है एंड कोई जटरिंग इस गाड़ी पे नहीं है, इतना अच्छे से मारुति ने इसको ट्यून किया है। एंड गाड़ी अभी चल भी चुका है 241 kilometers, सो एज यू कैन सी RPM इज़ एट 900 एंड थर्ड गियर मैं आराम से पुल कर रहा हूँ पार्ट थ्रॉटल पे। एब्सोल्युटली ग्रेट सिटी के लिए ड्राइवेबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। आप कोई भी स्लो मूविंग ट्रैफिक पे आप थर्ड गियर पे गाड़ी डालिए एंड आप हल्का सा थ्रॉटल को आप फेदर कीजिए, आपका गाड़ी चल जाएगा। आप पूरा फ्लोर मत कीजिए क्योंकि ऑब्वियसली नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ी है, टर्बो तो है नहीं, तो थोड़ा आप मतलब पार्ट थ्रॉटल पे जाएंगे तो आपका आराम से ये गाड़ी आपको पुल करके ले जाए। आप देख सकते हो थर्ड गियर पे ही मैं चल रहा हूँ एंड मुझे कोई भी मतलब लैग फील नहीं हो रहा है। सो गाइस यहाँ पर थोड़ा पुल करके देखते हैं फर्स्ट गियर पे। सो इंजन नोट आपने सुन लिया गाइस, इंजन नोट इज एब्सोल्युटली ग्रेट, रब लो लगेगा भाई कि ये सुजुकी का ही गाड़ी है। इट्स सच अ स्वीट इंजन नोट एंड पुल भी काफ़ी अच्छा है, टॉर्क इज़ गुड। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि टॉर्क द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड द टॉर्क वेरी वेरी वेल इन द रेव रेंज। अपर पॉइंट जो है मतलब जो हायर एंड ऑफ द रेव रेंज है वहाँ पर आपको लगेगा भाई कि थोड़ा सा पावर लॉस हो रहा है बट मिड रेंज जो है एंड लोअर एंड काफ़ी सही है। गाड़ी पर अभी लोड भी है, अगर आप सिंगल चलाएंगे इसको विदाउट AC देन गाड़ी बहुत अच्छा पुल करेगा। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड पैकेज फ्रॉम मारुति। अभी थोड़ा यहाँ पर एक फ्लाईओवर आएगा, फ्लाईओवर पे भी मैं एक बार आपको
दिखा दूंगा, मतलब पुल नहीं करेंगे, हल्का से चलेंगे। एंड एक बार उसका भी रिस्पांस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर डिपर भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर डिपर आप देख सकते हो, अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है एंड यहाँ पर आप डिपर देख सकते हो। विजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बोला था, विजिबिलिटी इज़ गुड एंड ओवरऑल साइड मिरर का भी आप देख सकते हो, विजिबिलिटी इज़ गुड। अभी यहाँ पर फ्लाईओवर आ चुका है, अभी फ्लाईओवर पे हम लोग उठ रहे हैं फोर्थ गियर पे एंड यहाँ पर जस्ट मैं पार्ट थ्रॉटल पे हूँ। गाड़ी अभी तकरीबन 58-59 पे है एंड आराम से ये गाड़ी चल जा रहा है, आपको कोई भी वो जड़र फील नहीं होगा। अब इसको थर्ड गियर पे भी देख सकते हैं, तो थर्ड गियर पे भी आप देख सकते हो, सस्पेंशन इज़ गुड। यहाँ पर थोड़ा सा चढ़ाव था बट आपको बहुत ही एक कंप्लायंट राइड मिल गया है। अभी यहाँ पर पार्ट थ्रॉटल पे देंगे, गाड़ी आराम से पुल कर जाता है, वेरी वेरी ईजी टू ड्राइव, नो प्रॉब्लम व्हाट्सोएवर। एंड ओवरऑल गाड़ी का जो कैबिन नॉइज़ है, कैबिन नॉइज़ इज़ ऑल्सो गुड, ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, थोड़ा सा आपको विंड नॉइज़, रोड नॉइज़ फील होगा, विंड नॉइज़ उतना नहीं फील होगा, रोड नॉइज़ आपको फील होगा। बट अगर आप टायर अपग्रेड करेंगे वो बहुत, मतलब एटलीस्ट 60-70% वो चला जाएगा। गाड़ी का जो ओवरऑल स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इज़ गुड, आप देख सकते हो एकदम सेंटर पर जा रहा है। सो विथ दैट ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम, इंडिकेटर भी देंगे गाड़ी पर, बॉडी रोल भी फ्रॉम द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा कम है, आई डोंट नो पीछे कैसे बॉडी रोल फील हो रहा है। बॉडी रोल कैसा है भैया? बॉडी रोल बढ़ गया है या कम है? बॉडी रोल, बॉडी रोल थोड़ा सा, बॉडी रोल थोड़ा सा कम है। अभी हम लोग 60 पे ही जा रहे हैं, अभी फिफ्थ गियर दे देते हैं। 5-speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है, अगर आप AMT पे जाएंगे वहाँ पर भी 5-speed का ही आपको ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अभी वी हैव पीपल फ्रॉम मारुति ऑन द कार। सो भैया मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये जो गाड़ी है ठीक है, ऑन रोड में क्या प्राइस जा रहा है कोलकाता में? अगर ऑटोमेटिक में लेंगे तो आपका 12 लाख के आसपास आएगा। अच्छा, और अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे, ओके, टॉप वेरिएंट बोल रहा हूँ दोनों का ही, ZXI प्लस, अच्छा अच्छा, आपका आएगा 11 लाख समथिंग, 11 लाख समथिंग, 11.5 लाख के करीब आ जाएगा, ये गाइस 11 लाख में ही आ जाएगा। अभी मैं 10, अच्छा, तो अभी मैं और एक चीज़ आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी तो बुकिंग ओपन हो गया है, तो सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएंट का बुकिंग आया है? ZXI प्लस का ही बुकिंग आ रहा है, ZXI का भी बुकिंग आ रहा है। ZXI का, VXI का क्या बुकिंग है? VXI भी वैल्यू फॉर मनी है। हाँ, VXI का भी बुकिंग आ रहा है, VXI का भी बुकिंग। एक्चुअली ये जो ZXI प्लस है ना, मारुति ने इतना अच्छा करके इसका प्राइसिंग किया है कि आपको मतलब पॉकेट में होल नहीं होगा इसको खरीदने में, एंड इतना फीचर्स इस गाड़ी में दे दिया है कि आपको मैं क्या बोलूँ। मतलब यहाँ पर आपको TPMS मिल जा रहा है, 360 डिग्री कैमरा है, सनरूफ आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल इट्स अ प्रीटी गुड पैकेज फॉर द प्राइस। अभी प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप गाड़ी बुक कर रहे हो एंड अगर आपका 11 लाख का बजट है, देन आप जरूर टॉप मॉडल पे भी जा सकते हो। एंड अगर आप थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ये सब करना चाहते हो, देन भाई आप VXI पे जा सकते हो, मारुति का भी बहुत सारा एक्सेसरीज आपको मिल जाएगा। एंड आई गेस इस गाड़ी में बहुत सारा पैकेज भी आ गया है फॉर मॉडिफिकेशन, सो आपको बहुत सारा मॉडिफिकेशन का पैकेज भी मिल जाएगा। तो ये था गाइस मेरा एक ड्राइव रिव्यू ऑन सिटी ड्राइव रिव्यू, मैं बोलूँगा ऑन द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिज़ायर। सो अगर आपको ये ड्राइव रिव्यू पसंद आया, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, एंड मैं बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ मारुति सुजुकी सानाई मोटर्स को। सो अगर आपको कोई भी मारुति का गाड़ी चेकआउट करना है, आप ये शोरूम पे ज़रूर आ सकते हो। मैं सर, दोनों सर का नंबर भी मेरे स्क्रीन पे दे दूंगा एंड चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएगा, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप कोलकाता में रहते हो। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था गाइस, वीडियो पसंद आया जस्ट लाइक आई सेड डू गिव इट अ थम्स अप, चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपके साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन